हेलो एवरीवन मैं हूं पासना शर्मा आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रीमियर प्रो में किसी भी वीडियो में बॉर्डर रिवील टेक्स्ट एनिमेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं इस वीडियो में हम ना सिर्फ बॉर्डर रिवील टेक्स्ट एनिमेशन क्रिएट करना सीखेंगे इसके अलावा एनिमेशन को रनिंग वीडियो में पर्टिकुलर पोजीशन पे प्लेस करना भी सीखेंगे सबसे पहले वीडियो को इंपोर्ट करके टाइमलाइन विंडो में लेके आएंगे अब वीडियो में टाइम एंड लोकेशन डिसाइड करेंगे मतलब किस टाइम पे और किस लोकेशन पे बॉर्डर रिवील टेक्स्ट टे एनिमेशन क्रिएट करना है यहाँ ये ध्यान रखें कि जिस भी लोकेशन पे बॉर्डर रिवील टेक्स्ट एनिमेशन क्रिएट करना है वो लोकेशन कम से कम थ्री सेकेंड के लिए विजिबल रहे स्पोज मैं इस वीडियो में ये टाइम एंड इस लोकेशन पे बॉर्डर रिवील टेक्स्ट एनिमेशन क्रिएट करना चाहती हूँ सबसे पहले टाइमलाइन विंडो में इसी पोजीशन पे टेक्स्ट लेयर ऐड करेंगे टेक्स्ट लेयर क्रिएट करने से पहले मेक श्योर करेंगे कि कोई लेयर सेलेक्ट ना हो अब ऊपर ग्राफिक्स एंड टाइटल्स मेन्यू पे क्लिक करेंगे देन न्यू लेयर के अंदर टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे देखिए इसी फ्रेम पे ऊपर टेक्स्ट लेयर क्रिएट हो गई है अब इफेक्ट कंट्रोल्स पैनल में टेक्स्ट लेयर पे क्लिक करके वीडियो स्क्रीन में टेक्स्ट को रीनेम एंड रिसाइज करेंगे इफेक्ट कंट्रोल्स पैनल में टेक्स्ट के सेक्शन से टेक्स्ट साइज को एडजस्ट करेंगे टेक्स्ट की लोकेशन को सेंटर में प्लेस करेंगे देखिए अब टेक्स्ट का साइज एंड लोकेशन एडजस्ट हो गई है अब इसमें रेक्टेंगल लेयर क्रिएट करेंगे पहले मेक श्योर sure करेंगे कि टाइमलाइन विंडो में कोई लेयर सिलेक्ट ना हो अब रेक्टेंगल लेयर क्रिएट करने के लिए ऊपर ग्राफिक्स एंड टाइटल्स मेन्यू पे क्लिक करेंगे देन न्यू लेयर के अंदर रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे देखिए वीडियो स्क्रीन में रेक्टेंगल आ गया है अब इस रेक्टेंगल को टेक्स्ट के अराउंड एडजस्ट करेंगे अब इस रेक्टेंगल बॉक्स की लेयर का एनिमेशन क्रिएट करेंगे इसके लिए टाइमलाइन विंडो में पहले इस रेक्टेंगल की टोटल फोर लेयर्स क्रिएट करेंगे क्योंकि रेक्टेंगल की फोर लाइंस का एनिमेशन क्रिएट करना है रेक्टेंगल लेयर की कॉपी क्रिएट करने के लिए अल्ट प्रेस करके एंड क्लिक एंड ड्रैग करके कॉपीज क्रिएट करेंगे देखिए रेक्टेंगल की टोटल फोर लेयर्स क्रिएट हो गई है अब क्रोप इफेक्ट को इन चारों लेयर्स पे बारी बारी प्लेस करेंगे इसके लिए इफेक्ट्स पैनल में क्रॉप सर्च करेंगे देन क्रॉप इफेक्ट को बारी बारी सभी रेक्टेंगल लेयर्स पे प्लेस करेंगे अब सबसे पहले फर्स्ट रेक्टेंगल लेयर को एनेबल रख के ऊपर की तीनों रेक्टेंगल लेयर्स को डिसेबल करेंगे अब इस एनेबल्ड रेक्टेंगल लेयर पे क्लिक करेंगे एंड मेक श्योर करेंगे कि पोजीशन स्टार्टिंग पॉइंट पे हो अब इफेक्ट कंट्रोल्स पैनल में क्रॉप के सेक्शन में जाएंगे अब क्योंकि पहले हम रेक्टेंगल की टॉप लाइन का एनिमेशन क्रिएट करेंगे इसलिए रेक्टेंगल को पहले बॉटम से क्रॉप करेंगे बॉटम से रेक्टेंगल को इतना क्रॉप करेंगे कि रेक्टेंगल की ओनली टॉप लाइन विजिबल हो जाए अब देखिए रेक्टेंगल की ओनली टॉप लाइन विजिबल है अब क्योंकि इस टॉप लाइन को लेफ्ट से राइट right की तरफ एनिमेट करना है इसलिए लाइन को पहले राइट right साइड से क्रॉप करके डिसअपियर करेंगे देखिए टॉप लाइन पूरी तरह से डिसअपियर हो गई है अब लाइन को एनिमेट करने के लिए पहले राइट right के टूगल एनिमेशन आइकन पे क्लिक करेंगे अब शिफ्ट प्लस राइट एरो की तीन प्रेस करेंगे, देन इज इन पे क्लिक करेंगे अब प्रीवियस की फ्रेम पे राइट क्लिक करेंगे देन आउट पे क्लिक करेंगे। अब टाइमलाइन विंडो में इसी की फ्रेम पे रहते हुए ऊपर की रेक्टेंगल लेयर को ड्रैग करके इस की फ्रेम पे प्लेस करेंगे अब इस रेक्टेंगल लेयर को एनेबल करके नीचे की रेक्टेंगल लेयर को डिसेबल करेंगे। अब इस रेक्टेंगल लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट कंट्रोल्स पैनल में जाएंगे इसमें क्योंकि हमने रेक्टेंगल की राइट right लाइन का एनिमेशन रेडी करना है इसलिए रेक्टेंगल को लेफ्ट से क्रॉप करेंगे लेफ्ट से इतना क्रॉप करेंगे कि जस्ट राइट लाइन विजिबल हो जाए अब क्योंकि राइट right लाइन को टॉप से बॉटम की तरफ एनिमेट करना है इसलिए बॉटम से लाइन को क्रॉप करके इनविजिबल करेंगे अब बॉटम के एनिमेशन आइकन क्लिक करेंगे, देन, शिफ्ट प्लस राइट एरो की तीन बार प्रेस करेंगे अब इस की फ्रेम पे रहते हुए बॉटम की वैल्यू को जीरो करेंगे एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए की फ्रेम पे राइट right क्लिक करेंगे देन इज इन पे क्लिक करेंगे अब प्रीवियस की फ्रेम पे राइट right क्लिक करेंगे देन इज आउट पे क्लिक करेंगे। अब इस की फ्रेम पे रहते हुए टाइमलाइन विंडो में ऊपर की रेक्टेंगल लेयर को ड्रैग करके इस की फ्रेम पे प्लेस करेंगे अब इस रेक्टेंगल लेयर को एनेबल करके नीचे की रेक्टेंगल लेयर को डिसेबल करेंगे इस रेक्टेंगल लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट कंट्रोल्स पैनल में जाएंगे अब क्योंकि हमने इस रेक्टेंगल लेयर में बॉटम लाइन का एनिमेशन रेडी करना है इसलिए टॉप से रेक्टेंगल को क्रॉप करेंगे टॉप से रेक्टेंगल को इतना क्रॉप करेंगे कि जस्ट बॉटम लाइन विजिबल रहे अब क्योंकि इस बॉटम लाइन को राइट से लेफ्ट की तरफ एनिमेट करना है इसलिए लेफ्ट से लाइन को क्रॉप करके इन विजिबल करेंगे अब लेफ्ट के टोगल एनिमेशन आइकन पे क्लिक करेंगे देन शिफ्ट प्लस राइट एरो की तीन बार प्रेस करेंगे अब इसकी nope. फ्रेम पे रहते हुए लेफ्ट की वैल्यू को जीरो करेंगे एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए इस की फ्रेम पे राइट right क्लिक करेंगे देन इज इन पे क्लिक करेंगे, अब प्रीवियस की फ्रेम पे राइट right क्लिक करेंगे देन इज आउट पे क्लिक करेंगे, अब इस की फ्रेम पे रहते हुए टाइमलाइन विंडो में ऊपर की रेक्टेंगल लेयर को ड्रैग करके इस की फ्रेम पे प्लेस करेंगे अब इस रेक्टेंगल लेयर को एनेबल करके नीचे की रेक्टेंगल लेयर को डिसेबल करेंगे अब इस रेक्टेंगल लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट कंट्रोल्स पैनल में जाएंगे अब क्योंकि इस रेक्टेंगल लेयर में लेफ्ट लाइन का एनिमेशन रेडी करना है इसलिए इस रेक्टेंगल को राइट right से क्रॉप करेंगे राइट right से इतना क्रॉप करेंगे कि जस्ट लेफ्ट लाइन विजिबल रहे अब क्योंकि हमने लेफ्ट लाइन को बॉटम से टॉप की तरफ एनिमेट करना है इसलिए लाइन को टॉप से क्रॉप करके इनविजिबल करेंगे अब टॉप के टोगल एनिमेशन आइकन पे क्लिक करेंगे Then, shift plus right arrow की तीन बार जीरो करेंगे अब प्रीवियस की फ्रेम पे राइट क्लिक करेंगे देन इज आउट पे क्लिक करेंगे अब टाइमलाइन right विंडो में सभी रेक्टेंगल लेयर्स की ड्यूरेशन के एंड पॉइंट को मैच करेंगे अब टेक्स्ट एंड रेक्टेंगल लेयर्स को नेस्ट करके सिंगल लेयर में कन्वर्ट करेंगे इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्रेस करके टेक्स्ट एंड रेक्टेंगल लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे देन राइट क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे देन ओके करेंगे चलिए अब वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं देखिए जैसे ही वीडियो आगे जा रही है बॉर्डर रिवील टेक्स्ट एनिमेशन की पोजीशन भी आगे जा रही है मगर हम चाहते हैं ये एनिमेशन इसी पर्टिकुलर पोजीशन पे प्लेस्ड रहे इसके लिए पहले टाइमलाइन विंडो में पोजीशन को इस एनिमेशन के स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके आएंगे अब इस एनिमेशन लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट कंट्रोल्स पैनल में जाएंगे देन पोजीशन के टूगल एनिमेशन आइकन पे क्लिक करेंगे अब देखेंगे किन पर्टिकुलर फ्रेम्स पे एनिमेशन की पोजीशन चेंज करनी है जिस भी फ्रेम पे पोजीशन को चेंज करना है उस पे पोजीशन की वैल्यू को चेंज करेंगे चलिए अब फाइनल एनिमेशन देख लेते हैं देखिए अब एनिमेशन इसी पर्टिकुलर पोजीशन पे दिखाई दे रहा है अब सेम इसी प्रोसेस से मैं वीडियो में आगे इस पोजीशन पे बॉर्डर रिवील टेक्स्ट एनिमेशन प्लेस करूंगी तो चलिए शुरू करते हैं चलिए अब फाइनल वीडियो प्ले करके देख लेते हैं इस तरह हम वीडियो में पर्टिकुलर पोजीशन पे बॉर्डर रिवील टेक्स्ट एनिमेशन प्लेस कर सकते हैं